आदाब दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मेरठ में एक हादसे की वजह से आग में बहुत गरीब लोगों का नुकसान हो गया, तकरीबन 200 परिवार बेघर हो गए हैं और लगातार उसमें खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से आ भी रही हैं और हम गए थे वहाँ जा कर के, जो हमने घोषणाएँ की थी उनको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया सब काम। वहाँ पर वो उनको एक शादी हॉल के अंदर सबको इकट्ठा करके उनके छत का इंतज़ाम हो गया रहने का, खाने का और डॉक्टरों का इंतज़ाम करा दिया गया है। अभी वहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग मेरे पास आ जाए थे और मुझे एक बहुत बात से उन्होंने आगाह किया है कि भाई कुछ बेटियाँ वहाँ ऐसी थी जिनका दहेज जल गया और उनकी शादी तैयार थी, तो ये बहुत एक संजीदा मैटर है और कुछ लोग वहाँ मदद करने पहुँचे हैं। मैं उनका सबका से भी आह्वान करता हूँ पूरे शहर के लोगों से उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। लेकिन ये लड़की की शादी का जो मसला है इसके मुतालिक मैंने ये फैसला लिया है, आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला ये काम इखलास के साथ मुझसे आसान करे और मुझसे ये काम ले ले। कि वहाँ पर तकरीबन 20-25-30 लड़कियों ने बताई हैं जो शादी के लिए तैयार हैं। मैंने 31 लड़कियों के लिए वहाँ पर 31 लाख रुपये का ऐलान कर रहा हूँ, किया है मैंने। उन लोगों से कहा कि आप 31 बेटियों की शादी करें और मैं हर शादी पर 1 लाख रुपये का उनका दहेज का खाने का जो भी इंतजाम होगा वो करेंगे और 31 बेटियों की शादी हम वहाँ कराएँगे। और मैं आप सभी शहर के लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपने अपने मोहल्लों में जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो सब जाएँ वहाँ पर मदद करें लोगों की। और मैं मुझे खुशी है इस बात की कि पहली बार मैं सब वहाँ पहुँचा और लोगों की मदद की, वहाँ पर पैसों का ऐलान किया, वो पैसे पहुँचे और उसके बाद मैं शहर के बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं अलग अलग मोहल्लों से, कोई कपड़े लेके जा रहा है, कोई खाना लेके जा रहा है, तो मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हजरात से उन लोगों के लिए अपने लिए दुआ की दरख्वास्त।